Namaste from India to the beautiful world Harik zindagi mein kuch kamee hai magar kuch magar, safar zindagi Today I am deeply honored and grateful as someone very special is sharing his precious time with all of us and as well as the real bold truth of his life Our Royal Highness प्रिंस मनविंदर सिंह गोहिल जी अ किंग ऑफ राजपिपला गुजरात इंडिया नमस्ते प्रिंस सर या नमस्ते एंड आई एम सो ग्लैड एंड वेलकम टू आवर शो सफर जिंदगी का द जर्नी ऑफ लाइफ थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रिंस सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस uh, सच्चाई भरी ब्यूटीफुल लाइफ का अब तक का सफर कैसा रहा देखिए अगर आप सफ़र की बात करते हैं तो अच्छा भी रहा है कठिन भी रहा है दोनों कह सकता हूँ क्योंकि एक राज परिवार में जन्म लेना कोई आसान बात नहीं है बहुत सारी इसमें जवाबदारियाँ होती है बहुत लोगों की अपेक्षाएँ होती है और ख़ास करके मैं एक 600 साल पुरानी एक रियासत का एक वंश हूँ उसके नाते लोगों को हमारे तरफ बहुत सारी अपेक्षाएं होती है क्योंकि अब तो राज नहीं रहे हैं फिर भी हम अभी तक एक ये पुरानी रियासत के कस्टोडियन हैं हम हमारे जो पूर्वज हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं उसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है जी तो मैं जब बड़ा हो रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और लोगों से अलग हूँ क्योंकि मेरा जो आकर्षण है वो स्त्री की तरफ नहीं था पुरुष की तरफ था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो पर मुझे ये क्या है इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था क्योंकि राज परिवार में क्या होता है कि आ, हमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम लोगों से बात कर सकें खुल के क्योंकि बहुत ही हम लोग कंजर्वेटिव प्रोटेक्टेड एटमोसफियर में हमारा पालन पोषण होता है तो मैं ये एक बात किसी को बोल नहीं सकता था किसी को पूछ नहीं सकता था तो मैं सोचता था क्या मैं अकेला ऐसा हूँ या क्या ये एक बीमारी है क्या ये मानसिक परेशानी प्रॉब्लम है या क्या ये एक टेम्प्रेरी वस्तु है कि जो मैं बड़े हो के आ, मतलब मैं आम लोगों के जैसे बिहेव करूँगा तो ये सोच के मैंने मेरे जब शादी की उम्र हुई तो मैंने शादी भी कर ली आ, पच्चीस साल की उम्र में एक खूबसूरत राजकुमारी के साथ में लेकिन वो शादी टिकी नहीं पंद्रह महीने के बाद वो शादी टूट गई और मेरी और मेरी एक्स पत्नी ने हमने सोचा कि ये शादी और आगे लेके जाने के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारे हमारे बीच में सेक्सुअल संबंध भी नहीं हुआ था तो आ, हमने डाइवोर्स ले लिया और उसके बाद मैंने मेरी शोध शुरू की जानने के लिए कि ये शादी क्यों टूटी और आ, क्या हुआ जिसके वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ में एक सेक्सुअल संभोग भी नहीं कर सके जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और जो कि हर एक पति पत्नी के बीच में ये होता है तो उस शोध में मुझे आ, एक ऐसे व्यक्ति से परिचय हुआ जिसका नाम है अशोक राव कवि वो भारत के सबसे पहले समलैंगिक है सब फर्स्ट गे पर्सन टू आउट एज गे और okay. उस व्यक्ति के द्वारा मुझे मेरी लैंगिकता का एहसास हुआ hmm. और 30 साल की उम्र में मुझे Uh, मेरी लैंगिकता के अस्तित्व का एहसास हुआ आई आई आइडेंटिफाइड माई सेल्फ एज अ गे मैन और उस व्यक्ति ने ना ही मेरी आइडेंटिटी मुझे बताई लेकिन उसने मुझे uh, अपनी लैंगिकता के बारे में गर्व uh, महसूस भी करवाया और मुझे कहा कि आप अकेले नहीं हैं इस आप हमारे जैसे लोग इस विश्व भारत में ही नहीं विश्व में आ, लाखों करोड़ों की आ, संख्या में हैं और ये नेचुरल वस्तु है जानवरों में भी समलैंगिकता होती है तो इंसान में तो होनी ही है तो और उसके द्वारा मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस हुआ मेरी लैंगिकता के बारे में मैंने उसके ज़रिए मैंने उसके एक संस्था है हमसफ़र ट्रस्ट जो भारत की सबसे पहली संस्था है ए के ऊपर काम करती है उसमें मैंने काम करना शुरू किया काउंसलिंग का कोर्स किया ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं आ, उनकी समस्याओं के बारे में जान सकूं तो आ, मेरी ये जर्नी जो है वो आ, अपने आप को स्वीकार करने की ये जो जर्नी है वो आ, कुछ इस तरह से हुई बिल्कुल और आपने आ, अपने आप को स्वीकार करना भी बहुत आ, मुश्किल कठिन काम था जो आपने आ, ये किया और आ, इसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया सैल्यूट करती हूँ आप को तो भी और और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एज़ uh, were from रॉयल फैमिली uh, एक कॉमन फैमिली में भी आजकल अभी के दौर में भी इट्स सो डिफ़िकल्ट कि uh, बच्चे या, या यंगस्टर्स कह नहीं पाते hmm. शेयर नहीं कर पाते कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर सामाजिक तौर पे उनको एक्सेप्ट hmm. नहीं किया जा पाएगा तो आपने ये uh, आपको एक्सेप्ट करे इस तरह से ये जर्नी को जब आपकी फैमिली के सामने ये चीज आई या बिकॉज बींग फ्राम रॉयल फैमिली तो आपके लिए ये कितना डिफिकल्ट रहा एंड हाउ यू फेस इट एंड यू केम आउट ऑफ दिस हर्डल हाँ बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि मैं एक राज परिवार का पहला ही सदस्य हूं जिसने खुलकर यह कहा कि मैं एक समलैंगिक हूं और ये बहुत कठिन चीज़ थी क्योंकि उस वक्त तो ये चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा भी नहीं होती थी और मेरा खुल के बाहर आने के पीछे भी कारण यही था कि मैं चुप्पी तोड़ना चाहता था मैं अगर मैं सिर्फ साइलेंट रहता तो कुछ होने वाला नहीं था मैं चाहता था कि इस विषय के बारे में लोग बात करें चर्चा हो चाहे वो नकारात्मक हो सकारात्मक हो उसकी मुझे परवाह नहीं थी लेकिन अगर जितना लोग हम कोई भी विषय पर अगर बात करेंगे तो हम उसमें बदलाव ला सकेंगे तो आ, मैंने ये कदम उठाया और उसकी उसका जो परिणाम था बहुत ही ख़राब रहा मुझे मालूम था कि वो होने वाला है क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक तो क्या है कि सच्ची चीज को हम लोग इतने अच्छे से अपना नहीं सकते ना, सच, क्या, क्या, एक, एक है ना एक का एक कहावत है ना कि सच्चाई कड़वी होती, होती है कड़वी होती है तो लोगों को आदत नहीं ना सच्ची बात सुनने और की उसे उसे निगलना हाँ, बहुत मुश्किल होता है थी? तो मैंने बात बोली तो लोगों को समझ में नहीं आया लोगों को कड़वी लगी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया मैंने कहा कोई बात नहीं अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं तो सच्चाई के राह पे चलने वाला हूँ और मेरे अगर अगर आप पूछेंगे मेरे पीछे किसका हाथ था तो मैं कहूंगा कि मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा महात्मा गांधी ने दी है गांधी जी की मैंने आत्मकथा पढ़ी है और उस आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि सच्चाई के आधार पे जब उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आधार आ, आजाद, आजाद करवाया तो मैं वो सच्चाई के आधार पे क्यों नहीं मेरे भाई और बहनों को मैं आ, आजादी दिला सकूत तो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही तो मैंने कहा कि चाहे और सच्चे लोगों के सामने अड़चन तो आती है आती है बिल्कुल तो आती है। तो मेरे सामने भी आई मेरे पुतले जलाए गए पूरे राजपीपला शहर ने मिलकर दंगा हो गया था यहाँ पे लोग ने विरोध किया आ, मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे राजमहल से निकाल दिया मेरे मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया मुझे मारने की धमकी तक आ गई मैंने कहा कोई बात नहीं आ, मैं अगर मर भी जाऊँगा तो भी ये मूवमेंट बंद नहीं होने वाला है ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इसलिए मुझे मुझे मेरे लाइफ की भी चिंता नहीं थी मैंने कहा मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए मुझे क्योंकि मैं एक चीज़ जरूर जानता था कि सच्चाई की जीत होती है सत्य में जयते और वही हुआ कुछ समय के बाद में मुझे विदेश से इनविटेशन आने लगे ओपरा विनफ्री नाम की एक बहुत मशहूर टीवी स्टार है उसने मुझे बुलाया एक बार नहीं तीन बार तीन बार इवन आई नो अबाउट दिस एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग इंडियन प्रिंस इनवाइटेड Uh, into intra, uh, show. हाँ yes. तो तीन बार उसने बुलाया और उस उसके जरिए पूरी दुनिया को भारत की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा एंड यू आर द फर्स्ट प्रिंस ऑफ़ द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड दर्ल्ड जी विद द ट्रूथ तो आ, ये हुआ और भी कुछ लोगों ने बुलाया उसरा का शो इतना पॉपुलर हो पौपिलर। गया कि पूरी दुनिया भर से मुझे इन्विटेशन आने लगे और तो कुछ ही समय में मैं कितने देशों में जा चुका वहाँ के राष्ट्रपति से मिला हूँ उनके प्रधानमंत्री से मिला हूँ उनके गवर्नर से मिला हूँ हॉलीवुड से संपर्क हुआ यूनाइटेड नेशन से संपर्क हुआ और धीरे धीरे मैं लोगों को भारत की बात बताने लगा कि देखिए हम हम एक ऐसे देश में से आते हैं जहाँ पे दुनिया के सबसे पुरानी सेक्स एनसाइक्लोपीडिया लिखी गई है जिसका नाम है कामसूत्र कामसूत्र और फिर भी हम लोग सेक्स के बारे में कहने से शर्माते हैं तो ये बहुत ही एक पैराडॉक्स सिचुएशन है तो मैं ये लोगों को बताता था तो उनको ताजू बताता कि आपके देश में खजूराओं है <laughs> जहाँ पे समलैंगिकता को खुलेआम मुर्जियों के द्वारा दर्शाया गया फिर भी आपके देश में ये हालत है मैंने कहा यही ये, ये हमारे दुर्भाग्य है कि भारत में सेक्स के बारे में ही बात नहीं होती है तो हम समलैंगिकता के बारे में तो क्या बात करेंगे और ये विषय पे बात करना जरूरी है तब जाके लोगों की आंख खुलेगी और लोग हमको स्वीकारना शुरू करेंगे तो मैंने एक 15 अगस्त 2014 के रोज़ मैंने अमेरिका में एक, एक एक स्थापना की उसका नाम रखा मैंने फ्री गे इंडिया मूवमेंट ओके okay. पंद्रह अगस्त को क्योंकि हम हमारे आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त चौदह दो को मैंने मिशिगन में आ, ये फ्री इंडिया मूवमेंट की स्थापना की और उसमें बहुत लोग मेरे साथ जुड़े काफ़ी हॉलीवुड के लोग जुड़े गवर्नमेंट के लोग जुड़े काफ़ी दुनिया भर से काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े और हमने कहा कि हम हमें जैसे भी करके भारत को आजाद हम देखिए भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली लेकिन एल लोगों को ये आज़ादी नहीं मिली नहीं। हमें अभी भी उस वक्त हमें आ, भेदभाव से की नज़र से दिखाया जाता था कायदा भी हमारे खिलाफ था तो हमने ये हमने ये जंग लड़ी और 2018 में आ, ये जंग हम जीते जब 20 साल की लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जाहिर किया 6 सितंबर के रोज़ छठी सितंबर के रोज़ कि समलैंगिकता गुना नहीं है।, नहीं है और ये क्यों हुआ क्योंकि हमारा जो भारत का जो बंधारण है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आ, आ, अपने बाबा साहेब आब्बेडकर ने लिखा है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि हर एक भारत के नागरिक को चाहे वो जो भी धर्म से हो चाहे वो जो भी लैंगिकता से हो हर एक नागरिक को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और उसके आधार पे हमको ये कायदे का की जीत हुई हमको आज़ादी मिली और हम आप लोग तो 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं हम लोग छत्तीस सितंबर को मनाते हैं क्योंकि छत्तीस सितंबर के रोज़ हमको आज़ादी इतने साल के बाद में उन्नीस से लेकर 2018 को हमको आज़ादी मिली और बल्कि एक जो जज है अब उनका नाम मैं बोल रहा हूँ एक महिला जज थी वो पाँच बेंच की उन्होंने तो ये भी कहा कि द कंट्री ओज एन अपॉलोजी टू द एल कम्युनिटी भारत देश को एच लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनका जो मानव अधिकार का जो उल्लंघन हुआ है उसके लिए हम लोगों को भारत को आजाद भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार किया है तो बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए और तब मुझे लगा कि नहीं मैंने मेरा मेरे जो सेक्रीफाइस थी मैंने किया मैंने मेरे मेरे सामने साथ में जो भी हुआ उसका परिणाम अच्छा ही हुआ क्योंकि आखिर में सत्य में वे क्योंकि आपने सच का साथ दिया और पहले सच की लड़ाई उन्होंने अपने साथ लड़ी और फिर सच की लड़ाई उन्होंने सामाजिक तौर पे लड़ी सच की लड़ाई उन्होंने अपने अपने लोगों के साथ लड़ी और आखिर में सच की जीत तो होती ही है तो ही हैव प्रूव्ड दैट ट्रूथ इज़ बिगर देन एवरी और ये सब जान के बहुत खुशी हो रही है और आप और मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि ह्यूमन human, ह्यूमैनिटी uh, ह्यूमैनिटी uh, ही सबसे बड़ा धर्म है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमें पता नहीं है हम जब कपड़े पहनते हैं मम्मी पापा जब पहनाते हैं कपड़े तब तो हमें पता चलता है कि ओ आई एम अ बॉय आई एम अ गर्ल और आइधर आई एम अ मुस्लिम और हिंदू जब हम सोल बन के पैदा होता है हमें तब कुछ भी नहीं पता होता है वैन वी ग्रो ग्रेजुअली उसके बाद हमें एहसास होता है कि हम क्या फील करते हैं और तब जाके उस एहसास को अगर हम बाहर कह नहीं पाते किसी से शेयर नहीं कर पाते अपने ही लोगों से शेयर नहीं कर पाएंगे अपने ही कम्युनिटी से शेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर ह्यूमैनिटी uh, का मतलब नहीं है और आपने ये बहुत बड़ा काम किया है एज ह्यूमन बींग आई विश गॉड ऑलवेज ब्लेस यू फॉर दिस ग्रेट एंड अ काइंड वर्क और यह भी जानना चाहूँगी कि वॉट वॉर योर ग्रेट माइल स्टोन यू हैव अचीव इन योर लाइफ तो आ, अगर मैं माइल स्टोन की बात करूँ तो आ, एक चीज दो मुझे मिली है जो पैसों से नहीं मिलती है और वो है प्रेम <laughs> मैं तो अगर मुझे कोई पूछे तो आप, आप कितने आप, आ, आपके पास कितनी संपत्ति है तो मैं कहता हूँ देखो संपत्ति से पैसों से संपत्ति नहीं होती है कुछ चीज़ ऐसे होती है कि जिसको संपत्ति से नहीं तोला जा सकता तो वो वो नाम है उसका नाम है प्रेम मुझे इतना प्रेम लोगों से मिला है दुनिया भर से मिला है ऐसे बहुत सारे लोग हैं विदेश में आज मैं जाता हूं तो मुझे बहुत प्रेम बेहद प्रेम करते हैं मेरी बहुत केयर करते हैं और ये चीज़ आप बाज़ार में नहीं जा सकते कह सकते हैं कि मुझे एक किलो प्रेम में दो <laughs> या मुझे 200 ग्राम या एक लीटर प्रेम चाहिए वो आज चाहे अम्बानी हो या अडानी हो उनको भी वो, वो लोग चाहे दुनिया के सबसे बड़े अरबपति होंगे लेकिन वो उन वो, वो भी व्यक्ति के पास प्रेम नहीं मिलेगा जो मुझे मिला है तो मैं 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 सोचता हूँ कि ये सबसे बड़ी मेरी जो है संपत्ति है, है वो है वो कहे कि मुझे लोगों का बहुत अतिशय प्रेम मिला है इतना प्रेम मिला है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मुझे और वो भी अनकंडीशनल जो जो, जो जिसमें स्वार्थ नहीं भरा हो जो वैसा वैसा प्रेम मुझे मिला। और ये संपत्ति उन्होंने ऐसी पाई है जिनको खोने का कोई डर ही नहीं है न चोरी होने का डर है बिकॉज ये ऐसी संपत्ति है जो हमारे हृदय में हमेशा रहती है और हमारे चाहने वालों के हृदय में हमेशा रहती है और एक ऐसा मैसेज प्रिंस जी कि जो आप यूथ को देना चाहेंगे और आने वाली सारी जनरेशन को देना चाहेंगे कि लेट ना हो जाए अपने दिल की बात किसी अपने से अपनों से शेयर करने में या फिर सामाजिक तौर पे डर के ना बोले इसके लिए या फिर जो भी पॉजिटिव मैसेज अपने तरफ से मैं दो या तीन मैसेज देना चाहूँगा एक सबसे पहला मैसेज है कि आप जो भी है उसको स्वीकारो सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है जब तक कि हम अपने आप को स्वीकारेंगे नहीं तब तक हमारी हम, हम अधूरे हैं अधूरे। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे पहला है दूसरा के डू नॉट जज समबडी जस्ट लाइक दैट किसी को भी जज करना हमारा अधिकार नहीं है उस व्यक्ति के अंदर झांक कर देखो उस व्यक्ति के अंदर जाकर देखो कि वो व्यक्ति को क्या पीड़ा है क्या समस्या गुजर रही है तब हम उस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से पहचान सकेंगे जान सकेंगे हम जो भी हैं हम नॉर्मल हैं हम नेचुरल हैं हम हमें हम हम ऐसे ही पैदा हुए हैं जैसे कि दूसरे लोग पैदा हुए फ़र्क इतना ही है कि हमारे हमारे में जो प्रेफरेंस है वो ऑपोजिट सेक्स के लिए नहीं है सेम सेक्स के लिए तो उसमें कुछ बुरी चीज़ नहीं है हमें उसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए हमको उस पर गर्व होना चाहिए तो ये एक मैसेज मैं लोगों को देना चाहूँगा और एक आखिरी मैसेज मैं सब लोगों के लिए देना चाहूँगा Uh, पहले मैं अंग्रेज़ी में बोलूँगा प्लीज़ लव योर सेल्फ अपने आप को प्रेम करो okay. मैं मेरे अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ मैं दूसरों को तो प्रेम करता ही हूँ और लोग भी मुझे प्रेम करते हैं पर मैं सुबह सुबह उठ के आईने में अपनी शक्ल देखता हूँ बोलता हूँ वाह वॉट ए ब्यूटिफुल मैन मैं आई लव माई सेल्फ मैं अपने, <laughs> yes. अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ अगर हम अपने आप को प्रेम करेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी प्रेम कर सकेंगे जितना हो सकेगा हम प्रेम फैलाएंगे Uh, नफ़रत कम करेंगे फोबिया कम करेंगे डर कम करेंगे और इससे ये दुनिया जो इतनी सुंदर है हम इस सुंदर दुनिया को और ज़्यादा सुंदर बनाने में हम आ, आ, सफल रहेंगे और ज्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में प्रेम बढ़ेगा बिल्कुल बिल्कुल सो सच अ वंडरफुल थिंग वी हैव लर्न टुडे सो आई वुड लाइक टू ब्यूटीफुल ऑडियंस दैट वी मैट

वो हम एक्सेप्ट करें और दूसरी बात जो उन्होंने सिखाई दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने बताया कि आप अपने आप को एक्सेप्ट तो करिए और दूसरी बात अपने आप को प्यार करिए क्योंकि हम अगर अपने आप को प्यार करेंगे तो दूसरों के को भी प्यार शेयर कर पाएंगे और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो सच्चाई से अपनी लाइफ को जिए और दूसरों में भी ये सच्चाई बांटिए सो आई वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ द शो दैट हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है मगर हर एक ज़िंदगी में कुछ कमी है मगर सफ़र जिंदगी का हंसी है मगर नमस्ते